चलिए ना नीतीश कुमार के बात को आप लोग, नीतीश कुमार जब जहां हैं उसके हिसाब से बात करते हैं, जब भाजपा के साइड जाना होगा तो परिवारवाद दिखने लगेगा, जब भाजपा को छोड़कर लालू जी के साथ जाना होगा तो उनको संप्रदायवाद दिखने लगता है। किसी को नहीं मालूम है, नीतीश कुमार को स्वयं को नहीं मालूम है कि वो कहां रहेंगे। जो आदमी अपने जीवन के अंतिम राजनीतिक अंतिम दौर में पहुंच गया है, वो सामाजिक राजनीतिक हर नजरिए से नीतीश कुमार का ये अंतिम दौर चल रहा है। अब अपना छटपटाहट में कभी दाएं कभी बाएं कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी चुनाव होगा, नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक औकात बिहार की जनता दिखा देगी। मैंने पहले कहा है, आपको फिर से दोबारा कैमरे पर कह देता हूं, आज तक मैंने अगर चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है, बहुत मैं करता नहीं हूं, तो शायद ही कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं होता है। तो बिहार के चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूं, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये 2 महीने से हम बात कह रहे हैं, और उनके दल वाले भी समझ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट नहीं आएगा, इसीलिए भगदड़ होनी है। अब भगदड़ में नेता भागते हैं ताकि उसमें नीतीश कुमार भी भाग जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको वो घबराहट बिल्कुल स्वाभाविक है, उनको दिख रही है, ऊपर से कुछ भी कहें, जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आपको मालूम है जदयू को कौन वोट देगा, कोई वोट देने वाला नहीं बचा हुआ है। तो लोकसभा से पहले अपना हाथ पांव मार के फिर कोई रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर लोकसभा से पहले नहीं भी गए तो ये आप लिख के रखिए कि लोकसभा के बाद तो उनको आज की स्थिति जो है ये तो स्थिति बदलेगी ही बदलेगी। ये जो महागठबंधन की सरकार चले, और ये हम 1-1.5 साल से कह रहे हैं, ये जो व्यवस्था है ये तो बहुत चलेगा, तो लोकसभा तक चलेगा। लोकसभा में ये लोग हारेगा फिर भागना तोड़ना शुरू हो जाएगा।